चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। मणिपुर का विभिन्न क्षेत्रबाट पालना हुने सबै धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी संस्कृत विद्यालयबाट भर्खर स्वस्ति वाचन गर्नुहुने सबै आदरणीय संस्कृत विद्यार्थीगण र यहाँ भजन संस्कृति र यो अहिलेसम्म भजन मण्डली चलाएर यस मन्दिरको उज्यालोपना देखाउनुहुने मेरा प्यार प्यारा नानीहरू, समस्त प्रभु तिमी भक्तजन समुदाय, सुन्दर साहजी, मणिपुरमा यो महामदे श्री प्राणनाथजी महाराजको चतुर्थ शताब्दी कार्यक्रम भर्खरै हामीले श्रवण गर्यौँ। महामते श्री प्राणनाथजी महाराजको आगमन, जहर को अमृत बनाने वाले प्राणनाथ और उस काली दह की कुंड की तरह उस कुंड को अमृतमय कुंड बनाने वाले प्राणनाथ, जिस धरती पे चरण रखा वहां पे धरती से हीरा प्रकट करवाने वाले प्राणनाथ, आज वही प्राणनाथ तब मौजूद थे, सशरीर थे, उनका देह था, वो चलते थे, फिरते थे, उड़ते थे, बैठते थे, बोलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज जो हमारे बीच नहीं है। तो विश्व परिषद ने विचार किया, क्यों ना श्री प्राणनाथ जी को कंटक मार्ग से हटा करके एक सुंदर गाड़ी बनाया जाए, जिसमें श्री प्राणनाथ जी की वाणी को रखा जाए, उनकी सुंदर तस्वीर को पधराया जाए और जामनगर से यात्रा करते करते पूरे भारत में भ्रमण किया जाए, नेपाल में, भूटान में, जहां भी जा सकते हैं। हम लोगों का तो विचार है हम म्यांमार भी जाएं, बर्मा भी जाएं, श्री प्राणनाथ जी की बातें लेकर के। तो कहने का मतलब, ऐसे श्री प्राणनाथ जी जामनगर से मणिपुर तक, मणिपुर से इम्फाल नगर तक दर्शन दिया है बेसुमार, जगाने प्राणनाथ जी आए। दर्शन दिया है बेसुमार, जगाने प्राणनाथ जी आए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो श्री प्राणनाथ जी की अपनी मातृभाषा थी सिंधी, उनकी पिता की भाषा थी गुजराती, हमें अच्छा लग रहा है प्राणनाथ जी के उस गाड़ी को चलाने वाले भी गुजरात से ही हैं। गुजरात से ही हमारे आसू भाई उनकी गाड़ी चला करके हम श्री प्राणनाथ जी के साथ सहयात्री बन करके यात्रा कर रहे हैं और प्राणनाथ जी का संदेश इतना प्रबल है, उन तक उनकी बातें हम जन जन तक अगर पहुंचा पाए तो सारी लड़ाई और सारे झगड़े, सारे मनमुटाव दुनिया के समाप्त हो सकते हैं। प्राणनाथ जी ने क्या नहीं कहा है, किसके लिए नहीं कहा है, देखिए, सब जगह शांति चाहिए, सब जगह शांति किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना शांति, सबको सुख चाहिए। आप यहाँ पे अपने घर में सोते तो होंगे लेकिन डर भी लगता होगा, भय भी सताता होगा, शांति से सोने को भी न मिले, शांति से भजन बंदगी करने को भी न मिले। तो श्री वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, ज्ञान हो शांति, आकाश में शांति होना चाहिए, पृथ्वी में शांति होना चाहिए, जल में शांति होना चाहिए। आज जल में शांति है क्या, जल में शांति है, जल से इतनी मछलियां मगरमच्छ को मारा जाता है, जल में शांति नहीं है, जल में जाकर के छुपेंगे तो शांति नहीं मिलने वाली है ना। आकाश में भी बड़ी दुर्घटनाएं होने लग गई, थल में तो सब जगह हो ही रहा है, ओ सदा यह शांति, दवाई कितनी महंगी है, दवाई खरीदने जाओ दिल धक-धक करता है ना, दवाई भी, ओ सदा यह शांति भी नहीं है। औषधि में शांति मिलती है, औषधि ले रहे हैं, मान लो सिर में दर्द हुआ
कई दिन से पेन किलर खाया तो किडनी को डैमेज कर दिया, औषधया शांति नहीं हुआ ना? हुआ, औषधया शांति हुआ नहीं? हुआ। औषधियों की शांति नहीं है, कहां पे शांति है? तो श्री प्राण जी ने वाणी में एक ही शब्द में कह दिया, सुख शीतल करूं। ये सारे जगत को मैं सुख और शीतलता देने आया हूं। आपने सुना होगा किसी समय सबसे पहले इस पृथ्वी से लोग चंद्रमा में गए, गए ना चंद्रमा में, आपने सुना होगा। चंद्रमा में जाकर के क्या लेके आए? काला सा पत्थर। अरे चंद्रमा तो तुम्हें शीतल देने वाली चीज है, शांति देने वाली चीज है, सुख देने वाली चीज है। जब भयंकर गर्मी हो उस समय चंद्रमा की शीतलता में क्या देती है? शांति देती है, शीतलता देती है। चंद्रमा के रोशनी में ताप नहीं है, गर्मी नहीं है। मैं उन साइंस लोगों को बात कहना चाहता हूं कि वहां से शीतलता लेके क्यों नहीं आए? लेकिन शीतलता नहीं ला सकते क्योंकि वो संतों के पास है। संत इसलिए कहते हैं कि हम जगत को शीतलता देने के लिए धरती पर आए हैं, लेकिन धरती में ताप है, धरती में दुख है, धरती में परेशानी है। लेकिन इसी धरती पे जब संत महात्मा अपना चरण रखते हैं तो ये धरती सुखमय बन जाती है, शीतलमय बन जाती है, आनंदमय बन जाती है। हम जिस जिस प्रांत में भी गए उस प्रांत के सुंदर साथ ने जागने रथ का बड़ा भव्य स्वागत किया। लेने भी गए, छोड़ने भी गए और फूलों के पत्ते बिछा करके सड़कों को सजाया। जिनके पास फूल थे उन्होंने फूलों से सजाया, जिनके पास हृदय था उन्होंने हृदय से सजाया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फूल बिछाने की जगह हम हृदय भी बिछा सकते हैं ना। कलिया न बिछाना राहों पर, हम दिल को बिछाने वाले हैं। कभी कहते हैं ना, जिसने दिल को बिछाया वो कितना बड़ा सुंदर साथ होगा। तो इस प्रकार से केवल माया में जकड़े रहना हमारा ये कार्य नहीं है। हम तो भक्ति में लगे, कार्य भी करें संसार का, पर श्री राज्य की भक्ति न छोड़े, जैसे ब्रज की गोपियां करती थी। फिर कहते हैं पांव पकड़ के इंद्रावती, इंद्रावती प्राणना जी का ही दूसरा नाम है। उनके पास एक नीति है, पांव पकड़ नीति। पांव पकड़ करके सबको सही रास्ते पे लाना, गलत वाले को भी सही रास्ते पे लाना। तो प्राणनाथ जी हम सबका पांव पकड़ करके क्या कहते हैं? प्राणनाथ जी पांव पकड़ते हैं, इसका अर्थ है हमें सुंदर साथ का पांव पकड़ना पड़ेगा। ये खुश होने की बात नहीं है कि प्राणनाथ जी हमारे पांव पकड़ रहे हैं। हम सुंदर साथ के पांव पकड़े, संत गुरुजनों के पांव पकड़े, श्री राजसना के पांव पकड़े। उठ खड़े रहो, जाग, फिर संसार से उठ खड़े हो जाएं। अभी आपने चौपाई में सुना ना, सुता होए सो जागी हो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा हो यो ठाड़ा, पांव भरे आगू सोए यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इस कले के निकसो ब्रह्मांड फोड़। ये प्राणना जी का संदेश है। सो रहा है उसको कहते हैं उठ जाओ, उठ गया उसको बोलते हैं बैठ जाओ, बैठ गया उसको बोलते हैं खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया उसको बोलते हैं चलना शुरू करो, चल रहा है उसको कहते हैं दौड़ो, दौड़ रहा है उसको कहते हैं उड़ो। क्योंकि परम धाम में दौड़ करके नहीं पहुंचोगे, ये ऐसी यात्रा है, इसमें उड़ना होगा। और उड़ने के लिए श्रद्धा और प्रेम रूपी पंख चाहिए। उड़ना तो कौन नहीं चाहता, पर जब तक हमारे पास पंख नहीं होंगे हम नहीं उड़ सकते हैं। देखिए चिड़िया उड़ती है ना दो पंख के सहारे, प्राणनाथ जी कहते हैं आत्मा उड़ती है श्रद्धा और भक्ति के सहारे। तो राज्य के चरणों में इतनी श्रद्धा रखें, राज्य के प्रति इतनी हम भक्ति करें कि दोनों पंख हमारे निकल आए और उड़ करके हम उस दिव्य परम धाम की प्राप्ति करें। जब उड़ेंगे तब की बात अलग है, पर जब तक संसार में विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, संसार को भी तो पवित्र करना है। आप जानते हैं ना महामती प्राणनाथ जी ने परम धाम के बाद किसी भूमि की प्रशंसा की है तो भारत भूमि की प्रशंसा की है ना। त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिरा आय रही तसरम। ये भारत भूमि है, पावन भूमि है, ये तीर्थों की भूमि है, धर्म भूमि है, आस्था की भूमि है, श्रद्धा की भूमि है। ऐसे भूमि में महामती प्राणनाथ जी पधारे, ब्रह्म सृष्टि पधारे, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पधारे, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण पधारे। इस भूमि के कण कण को
पावन बनाया, शुद्ध बनाया, सब भूमि हमारे लिए तीर्थ के समान है। इसलिए जागने रथ यात्रा में चलते हुए कभी कभी बहुत ऐसे रास्ते में भी चलना पड़ता है जो बहुत कठिन रास्ता होता है। हम लोग उस समय अनुभव करते महामति प्राणनाथ जी कितने कठिन रास्ते से चले होंगे। तब तो पैदल चलना पड़ता था, तब पुल की व्यवस्था भी नहीं थी, रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे, कटीले मार्ग और कंकटपूर्ण मार्ग, ऐसे ऐसे मुश्किल मार्ग से भी प्राणनाथ जी आसानी से चले। और शाम को सुंदर सात को चर्चा सुनाते हुए कहते थे ये सब तो एक जागरी यात्रा है। आत्मा जब जागती है ना तो शारीरिक दुख का अनुभव ही नहीं होता है, शरीर का कष्ट आत्मा भुला देती है। जब व्यक्ति ब्रह्मानंद में एकाकार हो जाता है तो ये शरीर और इंद्रियों का दुख वो भुला देता है। ऐसा महान ज्ञान, परम ज्ञान, भावपूर्ण ज्ञान, श्रद्धापूर्ण ज्ञान, आत्म जगाने वाला ज्ञान प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भरी पड़ी है। 18,758 चौपाई, कभी आप एक चौपाई को लेकर के पढ़ना प्रारंभ करें ना, पूरा ज्ञान परम धाम का उतर आता है। इसलिए कहा जाता है अमृत की एक बूंद पीजिए तो भी आप अमर बनेंगे, एक घड़ा पीजिए तो भी आप अमर बनेंगे, वाणी की एक चौपाई पढ़ेंगे तो भी आप परम धाम जाएंगे, 18,758 चौपाई पढ़े तो भी आप परम धाम जाएंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। पर श्रद्धा से तो हम पढ़े, उसमें आकर्षित होकर के तो हम पढ़े, अपना मान करके हम पढ़े, ये ज्ञान मेरे लिए है ऐसा समझ करके हम पढ़े तो हम परम गति और मोक्ष गति को जरूर जरूर पाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो प्राणनाथ जी कहते उठ खड़े रहो, जाग हमेशा खड़े रहो, सोते न रहना, सोना ये जीव सृष्टि का काम है, जागना ब्रह्म सृष्टि का काम है। ब्रह्म सृष्टि सदा जागते रहे, दूसरों को जगाते रहे और परम धाम का संदेश देते रहे। हम लोग जामनगर से निकले, अब तक हम लोग 17,000 किलोमीटर चल चुके हैं। अगर हम लोग सीधा सीधा चलते ना भारत से तो अमेरिका पहुंच जाते। हम तो भारत में ही घूम रहे हैं क्योंकि हमारे इतने सारे प्रांत हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे तीर्थ हैं, इतने सारे सुंदर सात हैं, इतना सारा हृदय है, इतना सारा भाव है, इतने सारे पुष्प हैं कि इन सब को छोड़ करके अन्यत्र जाने का मन नहीं करता। तो जब से यहाँ कल हम लोग आए हैं, आप लोगों के श्रद्धार भक्ति देख करके हमें लगता है कि 2-3 दिन यही निवास करें, इतना दूर से आए तो कुछ यहाँ होना चाहिए। पर हम लोग भी समय में आबद्ध हैं क्योंकि 365 दिन में 600 हमारे मंदिर हैं और कहीं मंदिर नहीं है तो केंद्र बने हुए हैं, उन सब जगह जाना, और सभी तो आपकी तरह ही रथ के दर्शन करने के लिए प्यासे हैं ना। इसलिए आज भी देखिए कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए हम लोग यहाँ से कांगला तुम्बी और इम्फाल जाएंगे रथ को लेकर के, शहर में हम लोग रथ घुमाएंगे क्योंकि इतना हम लोग कष्ट करके मणिपुर में हमने प्रवेश किया और केवल प्रसाई बस्ती से हम लोग वापिस जाए ये तो सौभाग्य की बात नहीं है ना। हम लोग जरूर जाएंगे और इम्फाल शहर में रथ घुमाएंगे, गोविंद देव जी के मंदिर के आगे भी रथ हम लोग खड़ा करेंगे कुछ देर। तो ये कार्य भी हमको करना है और इसके साथ साथ आप देखिए कि हम लोगों को आसाम के कई और कार्यक्रम को भी पूर्ण करना है क्योंकि ये 6वां रथ यात्रा चल रही है। 7वें यात्रा में कालिम्पोंग दार्जिलिंग सिक्किम की यात्रा होगी, 8वें यात्रा में देखिए हम लोग ने पूर्व पश्चिम की यात्रा पूरी कर ली। जब मणिपुर हम लोग पहुंचे, जामनगर से चल करके हम लोग इम्फाल पहुंचेंगे ना, तो ये एक पश्चिम से पूर्व की यात्रा इस देश की पूरी होगी। फिर हम लोग जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे, उत्तर दक्षिण की यात्रा भी हमारी पूरी होगी। ये सब जागरी यात्रा, ये प्राणनाथ जी के प्रति एक श्रद्धा। आपने सुना कि उस समय प्राणनाथ जी को पैदल चलना पड़ा क्योंकि विज्ञान इतना विकसित नहीं था, पर आज हम लोगों ने सोचा कि प्राणनाथ जी को पैदल यात्रा से हम लोग ऊपर उठाएं। ऐसे तो प्राणनाथ जी उठे हुए ही हैं पर हमारी श्रद्धा भी तो कुछ कहती है ना, और श्रद्धा से ही तो कहते हैं भगवान भगत के बस में। जब भक्त ऐसा चाहते हैं, देखिए रास खेलते खेलते गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण
हम हाथ से ही पालकी बनाते हैं, उसमें आप बैठे। तो कृष्णा आकर के बैठ गए, क्योंकि गोपियों की श्रद्धा थी, सखियों की श्रद्धा थी, हाथ से पालकी तैयार किया, कृष्णा आकर के वहां पर बैठ गए, उसी को पालकी मान करके। तो हम लोगों ने प्राणनाथ जी के लिए सुंदर नई गाड़ी लेकर के एक रथ तैयार किया। हमारा अटल विश्वास है कि इसमें प्राणनाथ जी बैठे हुए हैं, आज विराजमान है महामती प्राणनाथ, क्योंकि उनके वाणी विराजमान है तो वो स्वयं विराजमान है ना। प्राणनाथ जी धाम पधारने लगे तो सुंदर साथ ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ हैं? का मेरी वाणी है ना, सात चरणों आए सो तो सही, पिछले कारणे वाणी गए। का मेरे चरणों में जो आ गए सो आ गए, उनकी जागनी मैंने खुद बखित खुद की, मैंने अपने हयाती में की, मैंने अपने प्रेजेंस में की, पर जो पीछे आएंगे ना वो मेरे दर्शन मेरी वाणी में करेंगे, उनके लिए मैंने वाणी लिखी है। तो हमारे लिए प्राणनाथ जी ने वाणी लिखी, इसलिए आज हमारे लिए प्राणनाथ जी वाणी में है, हस्तलिखित वाणी हम लोगों ने रथ में पधराया है, और प्राणनाथ जी जो है रथ में चल रहे हैं, हम सब उनके साथ ही उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। प्राणनाथ जी आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे, निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम की हम गाड़ी में हम जाएंगे, फिर तो अपने पियाजी से मिल जाएंगे। देखिए कभी ऐसा भजन भी हम लोग गाते थे ना, आज ये निज धाम की गाड़ी इस भजन को सार्थक कर रही है। तो बहुत आनंद आया यहाँ आकर के, सुंदर साथ की सेवा को देख करके। देखिए आज सब ऑर्गेनिक हो रहा है ना, यहाँ तो खुद तो खुद सब ऑर्गेनिक है, फल फूल से लेकर के सब्जी अनाज सब ऑर्गेनिक है। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी चौदह भवन, प्राणनाथ जी का कहना मानो, पहले आप पहचानो, प्राणनाथ जी हैं अति उदार, तुम सेवा से पाओगे पार, प्रणाम। चतुर्थ शताब्दी मनाए जागनी ज्योति जलाए, चतुर्थ शताब्दी मनाए जागनी ज्योति जलाए, महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाए, वाणी सर्वत्र गाए।